नमस्कार, गुड मॉर्निंग आयोटा फ्लो एम्प्लॉयज, स्वागत है आपका। यू आर वेलकम टू दिस ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ आयोटा फ्लो विच इज़ फॉर आवर बेनिफिट। सो आई विल स्टार्ट, मैं शुरू करता हूँ। ये अपना एक थॉट है जो हमने परमानेंटली यहाँ पे लगाया हुआ है। इनफैक्ट जब हम सुबह आते हैं, ये हमें प्रवोक करता है एक काइजन करने के लिए। दिस इज अ कॉन्शियस एफर्ट वी आर हैविंग फ्रॉम दिस मीडिया without investing something on it, so that is the advantage we have got. Now let us move to my workstation. Sir, workstation पे आने से पहले मैं आपसे request करूँगा एक हल्का सा focus मेरे इधर back पे कीजिए, क्योंकि एक नया t-shirt हमने पहना है। We have started a new day for zero defect, zero wastage and सिक्योरिटी मैं इसको नहीं बोलूँगा, आई कॉल इट सेफ्टी टू बी मोर अप्रोप्रिएट। तो आ जाते हैं मेरे वर्क स्टेशन पे। सो काइजन के लिए अभी तक जो सक्सेसफुल कंपनीज रही हैं उनके बारे में ब्रीफली मैं बोलना चाहूँगा। एक है ग्रेट वेस्टर्न बैंक, इन्होंने जो इनकी प्रोसेस होती थी 34 स्टेप्स की एक बैंकिंग अकाउंट खोलने का, दे हैव रिड्यूस इट टू 24 स्टेप्स। उसके बाद में फोर्ड में जो बहुत बड़ा रिसेशन आया था 2000 में, जिसकी वजह से फोर्ड बंद हो सकता था, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग काइजन, सो दे हैव रिवाइव्ड इन 2014 एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ काइजन। और इसके अलावा हरमन मिल्लर एक कंपनी है, इनका 500% इंक्रीज हुआ प्रोडक्टिविटी में और क्वालिटी में 1000% इंक्रीज हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ काइजन। लॉकहीड मार्टिन को एक सरफेस टू एयर मिसाइल्स मैन्युफैक्चर करना था, इनको सही तरीका नहीं आ रहा था मैन्युफैक्चर करने का, देन दे इम्प्लीमेंटेड काइजन थ्योरी ऑन इट विद द रिजल्ट, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स है, सरफेस टू एयर मिसाइल, वो इन्होंने डेवलप किया। और हमारे भारत की बात करें, गुजरात में एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये सेम अप्लाई हुआ है, काइजन अप्लाई हुआ है, जिसमें कि 80 टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई काइजन की और देखा गया कि इसके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हैं। ये और लोगों की बात है विच इज़ वेरी मच सिग्निफिकेंट एंड अप्रिशिएबल। नाउ आई विल स्पीक समथिंग ऑफ माय ओन जो मैंने यहाँ पे किया। तो मेरी इंस्पिरेशन है अपने घर के किचन से, अपने घर के किचन को ऑब्जर्व करा तो लेडीज़ को आप देखेंगे छोटे 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 इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, वो अल्ट्रेशन करते हैं जो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। तो उससे इंस्पायर होके मैंने कुछ बदलाव यहाँ पे किए हैं जो कि मैं ब्रीफली बताऊँगा। जैसे आई विल स्टार्ट विथ माई फ़ोन, लैंडलाइन एज वेल एज मोबाइल। फ़ोन आते ही कई बार मेरा मोबाइल होता था चार्ज नहीं होता था प्रॉपरली, इस पर टाइम वेस्ट हो जाता था, या लैंडलाइन प्लेस नहीं है तो बड़ी डिफिकल्टी से आप इधर उधर से फिडल कर रहे हो इसको, देन यू टेक अप अ कॉल। तो मैंने इनको इतना कन्वीनियंटली रखा है आपस में एक दूसरे के पास, सो दैट कोई भी फोन आता है तो आई एबल टू पिक इट अप कन्वीनियंटली एंड रेस्पॉन्ड टू इट। साथ में एक मोबाइल जो कि चार्ज नहीं रहता था, कई बार उसको चार्जिंग पे टाइम वेस्ट होता था, उसको ऐसे पोजीशन करा के मैं उसको परमानेंटली चार्जिंग पे रखूँ। नंबर टू, मेरा ये स्टूल डेस्क आ जाता है, ये वर्किंग डेस्क, ये मेरा इधर लेफ्ट हैंड साइड पे था, बड़ा कम्बरसम था ये, कोई चीज़ इसमें डालनी है निकालनी है, दैट यूज टू इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने इसको शिफ्ट करा है राइट साइड पे, यहाँ से राइट साइड मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, एफिशिएंट होती हैं। तो आई हैव मेड अ पॉइंट दैट आई कीप इट हियर, जिससे मुझे काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे काम में। नाउ कमिंग टू माई डैशबोर्ड, ये कुछ यूज़र नेम पासवर्ड्स हैं जो मैं कई बार भूल जाता था बिकॉज ऑफ बिजी ओवर बिजी शेड्यूल, सो आई हैव जॉटेड देम डाउन सो दैट आई रिमेंबर देम ईच एंड एवरी टाइम विदाउट मोर डिफिकल्टी। और इसके अलावा हमें किसी एम्प्लॉय को कॉन्टैक्ट करना है, उसका ईमेल आईडी फ़ोन नंबर चाहिए इन हाउस, तो इसमें क्या किया है मैंने कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंट मेरे ईमेल आईडीज जो यूज़ होते हैं, फ़ोन नंबर्स यूज़ होते हैं, उनको हाईलाइट करा है मैंने, सो दैट आई हैव अ क्विक फोकस ऑन दैट नंबर विच आई वॉन्ट फ्रॉम दिस शीट एंड आई कॉरस्पॉन्ड विद माई फेलो कलीग करेंगे। इन एडिशन टू दिस, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे, क्योंकि हम लोग ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम लोग भूल जाते हैं प्रायोरिटीज़ को, तो मैंने आई मेड इट अ पॉइंट कि मेरा जो वीकली प्रायोरिटीज़ हैं
वीक की प्रायोरिटीज हैं मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखूँ, ताकि टाइम एंड अगेन आई सी दीज प्रायोरिटीज तो मैं कुछ भूल नहीं जाऊँ, आउट ऑफ इट कुछ रह ना जाए। नाउ कमिंग टू दिस लेफ्ट हैंड साइड, कई बार मेरे काम में, मेरे जॉब में हमें लिखना पड़ता है बहुत कुछ, जॉट डाउन करना पड़ता है, तो आई यूज टू सर्च फॉर पेन, सर्च फॉर डायरी विच यूज टू इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ टाइम। सो नाउ व्हाट आई हैव डन, आई हैव केप्ट दीज थिंग्स हैंडी हियर, किसी का नंबर नोट करना है, किसी का इंस्ट्रक्शन नोट करना है, या किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देना है, ऑल द थिंग्स आई जॉटेड डाउन हियर, ताकि मैं इसको एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर पाऊँ। तो ये मेरा काइजन बास्केट है, जो कि मुझे इंस्पिरेशन मिला है घर से, सिंपली एक किचन से। आप लोग भी अपने किचन में जाइए, वहाँ देखिए लेडीज़ लोग कैसे काम करती हैं, आपको बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, बेलन से बच के रहना, दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू, सेव योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ओके, सो नाउ हमने अभी, पहले हमारी एक ही शीट हुआ करती थी जिसमें हम सर्विस विजिट वाले जो केसेस रहते थे और जो मटेरियल यहाँ पर आते थे सर्विस के लिए कस्टमर्स के, तो हमें पहले एक ही शीट पे मेंटेन करना रहता था, जिसमें जगह भी कम बचती थी हमारे पास, इधर उधर लगाना भी पड़ता था। अब मेरे पास दो शीट्स हैं, तो दो शीट्स में, और मेरे को इसमें शॉर्ट फिल्टर करने में बड़ा तकलीफ होती थी कि कौन से केसेस कहाँ पे लगे हुए हैं। अब मेरे पास सर्विस विजिट की जो लिस्ट है उसमें मेरे को फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है कि किसके किस कस्टमर के यहाँ पे मटेरियल आ रखा है। तो मैंने दो शीट्स यूज़ की है, एक ये है जो कि जिनके मटेरियल यहाँ पर आते हैं सर्विस के लिए, वो शीट ये है, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस हमें समझने में ईजी हो गए क्योंकि ये कम हो गए। और ये केसेस विजिट वाले हैं, तो ये केसेस को समझने में हमें फिल्टर करने में ईजी होता है कि इसमें नंबर ऑफ केसेस कम हो गए, तो हमें ज़्यादा इसमें हमें 5 से 10 मिनट हमें फिल्टर और ये सारी चीज़ें करने में ईजी हो जाता है। सर ये हमारा जो है जंक्शन बॉक्स है, हमें मैगमीटर में इसको ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हमारे को इसमें ड्रिल करने में बहुत काफ़ी टाइम लगता था, क्योंकि मैं एक बार इसको मार्किंग करता हूँ इधर, फिर इसको सेंटर में मिलाता हूँ, उससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, और उसके बाद में इसको थिनर से भी स्पिरिट से छुड़ाने में भी टाइम लगता था। पर उससे हमारे को जो है हेमंत ने बहुत बढ़िया राय दिया, उन्होंने ये मेरे को दिए लिया के बोले कि इसको काटना है, कैंची से काट लेना, और कैंची से काट के और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लगाना है, लगा के उसके बाद में ये सेंटर पंच मारता हूँ। करीब करीब मेरे को एक में आधा घंटा लग जाता था, पर इससे मेरे 10 मिनट में बहुत आसानी से काम हो जाता है सर। उसके बाद कनेक्टर भी मेरा इधर उधर हो जाता था, मेरा जो है कि कनेक्टर भी बिल्कुल 0-0 बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये पहले जो हम लोग असेंबली करते थे ना फ्लोर